हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं, वहीं से ही जहाँ छोड़कर गए थे। अभी मैं पढ़ा क्या चुका हूँ ये बता देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे चर्चा कर चुका है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इतना कर चुके हैं। अभी भी चैप्टर ठीक ठाक बकाया, 3 एक लेक्चर और लगेंगे, 3 लेक्चर 1 2 3, आजकल परसों, उसके बाद भी चैप्टर खत्म नहीं होगा। बहुत कहानियां हैं इसमें, उसके बाद केस स्टडीज भी बकाया, ठीक है जी। मेरे को लेकिन ये है कि चैप्टर टिप्स पर चाहिए आपकी, जब मैं इतनी मेहनत करूंगा तो आपसे रिटर्न चाहिए चाहिए। फिक्स कैपिटल आपने अच्छे से याद कर लिया, वर्किंग कैपिटल लगभग सबने बता दिया, न्यूमेरिकल कर दिया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। अभी फैक्टर ऑफ एक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पेंडिंग है, जिस दिन सुनूंगा वो तबियत से सुनूंगा। आईसीआर और डीएससीआर सबसे पहले चाहिए, बाकी सुनाओ ना सुनो वो हेडिंग तो विद मैटर चाहिए। तो बाबू अब ना चैप्टर के फ्रंट पेज पर आ जाओ, बिल्कुल पहले पेज पर आ जाओ, जहां पर लिखा होगा चैप्टर 9, लगभग 80 के आसपास होगा, 80 के आसपास, 82, पेज नंबर 82, चैप्टर का नाम लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और वो आज अच्छे से सुनना, मैंने बोला था चैप्टर शुरू से पहले स्ट्रेंथ है ये मेरी, अगर फेल नहीं हुई ना फायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। थोड़ा अच्छे से सुनना, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मेरे टाइम तक ना इस चैप्टर का नाम होता था बिजनेस फाइनेंस, और पहले टॉपिक का नाम भी बिजनेस फाइनेंस है, फिर टॉपिक का नाम बदल के कर दिया इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पर बिजनेस फाइनेंस के बाद जो अगला टॉपिक दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया हुआ है। सर आप सिर्फ 10-15 पेज का एक चैप्टर पढ़ रहे हो सिर्फ, ठीक है, वो भी थियोरिटिकल। कभी आपने सुना है कि नहीं सुना, जब आगे बढ़ोगे तो किसी ना किसी के मुंह से शायद सब्जेक्ट सुनाओ, कॉस्टिंग एंड एफएम, सब्जेक्ट होता है पूरा एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है जी। सीए करोगे तो पक्का करने को मिलेगा, बीकॉम करोगे तो फाइनल ईयर में करने को मिलेगा। तो बाबू आप सिर्फ 12 पेज का चैप्टर पढ़ रहे हो और हमने पूरी पूरी किताब चाटी हुई है। अगर हम इसको स्ट्रेंथ नहीं बना पाए तो फिर हमारे ऊपर ही वही लानत है। तो आराम से सुनना। अब ये फिलहाल आज का दिन थोड़ा हल्का चलेगा, आसान आसान बातें, फिर दोबारा वापसी आएगी मुश्किल बातें। तो बाबू पहला टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस, बस आपने नाम पढ़ लिया, सामने देखना। सर अगर सिंपल मतलब बोलूं तो बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा है ना, इसी बात को बस मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बेटा बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ भी पैसा चाहिए, जो कुछ भी पैसा इन्वेस्टेड है, वही तो बिजनेस फाइनेंस है। और बेटा बिजनेस में ना हर एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए। फाइनेंस नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट, टू डाइवर्सिफाइड। मुझे एक बात बता दो, कोई एक सिंगल एक्टिविटी जिसमें आपको लगता है पैसा नहीं चाहिए? इवन बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए? आपको लगता है ना मैं सोसाइटी का वाला सोचूं उसमें मुझे लगता है और ज्यादा पैसा चाहिए? आपको लग रहा होगा सोसाइटी का वाला सोचने का कौन सा पैसा लगता है। बेटा मुझे दुकान पे आप प्लास्टिक पॉलिथीन देते हो, वो कॉस्ट करती है 1 रुपये और 1.5 रुपये, और अगर गलती से आपने सोचा मैं सोसाइटी का भला कर दूं, मैं तो पेपर बैग ले आऊं, वो 10 रुपये कॉस्ट करता है, करके देख लेना एक बार भला। तो बाबू बिजनेस में ऐसी कोई सिंगल एक्टिविटी भी नहीं है जो आप बोलते हैं बिना पैसे क्यों जाएगी, एक सिंगल एक्टिविटी। फाइनेंस नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपैंड इट और टू डाइवर्सिफाई इट। That's why finance is called as a life and blood of business. Finance को बोलते हैं life and blood of business. भाई इसके बिना business है ही नहीं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का सही, बस इतना सही मुद्दा था कि, ठीक है? मैंने कहा था अभी तो आसान है। बेटा मैं इधर देखना क्या था business finance, business में लगा हुआ पैसा, बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। और बिजनेस में बेटा हर एक्टिविटी के लिए फाइनेंस चाहिए, मैंने समझाने की कोशिश करी। दैट्स व्हाई फाइनेंस इज कॉल्ड एज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके बात। उसके बाद बेटा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सर हिंदी में बोलो तो पैसों का मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ बड़ी ईमानदारी से आपको,
देखो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, किसी किताब में नहीं लिखी ना कोई ऐसा बोलता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना कभी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, खुद आ जाता है। और आप बताओ आप सबके अंदर एक एक फाइनेंस मैनेजर बैठा है, जब अपने ऊपर बात आएगी ना पैसों को लेकर आप ऐसे ऐसे डिसीजन लोगे, बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजर भी सोचते होंगे कि हमने पढ़कर लिए और इस अनपढ़ ने खुद ले लिए। मैं मजाक से अटके बोल रहा हूँ ये बात, मैं कई चीजें आपसे पूछूंगा आप एडवांस आंसर करोगे जो किताब ने लिखी होगी, मैं प्रूव कर दूंगा ये बात। सबके अंदर फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है, बस अपने ऊपर बात तो आ जाए पैसों को लेके, देखना कैसे फाइनेंस मैनेजर बाहर निकल के आता है, देख लेना। चलो क्या मैं मतलब बताने की कोशिश करता हूँ क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाबू अच्छी जगह से पैसा लेना, अच्छी जगह से पैसा ले लो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस इतना सही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छी जगह से पैसा लो और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। यार ये अच्छी जगह क्या होती है बेटा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऑप्टिमल प्रक्योरमेंट एज वेल एज ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फाइनेंस। ऑप्टिमली प्रक्योर करो और ऑप्टिमली यूसेज करो तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। एंड फॉर ऑप्टिमल प्रक्योरमेंट, जब अच्छी जगह से पैसा लेने का नंबर आए, फॉर ऑप्टिमल प्रक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। और जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस की सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम रिस्क, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट, वहां से पैसा उठा। देखो बेटा मैंने क्या बोला, पहले मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। मैंने कहा अच्छी जगह से पैसा लो और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, तो ही होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ही बोलूंगा मैं कि आपको पैसों का मैनेजमेंट करना आ गया। और वो अच्छी जगह से पैसा लेने के लिए क्या करना है, कहता है जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको पैसा दे सकते हैं ना सबको आइडेंटिफाई कर लो, एक जगह पे लिख लो। मान लो आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है, आपको लगता है मुझे डिबेंचर भी 50 लाख दे सकते हैं, मुझे बैंक लोन भी मिल सकता है, मुझे प्रेफरेंस से भी मिल सकता है, मुझे इक्विटी से भी मिल सकता है, जो जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस आप जानते हो, जो जो आपको पैसा दे सकते हैं सब एक जगह पे लिख लो, जिसकी सबको कंपेयर कर लो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिस्क एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने तीनों की बात की हुई, टेबल बनवाई हुई है। आपको लगता है जिसका सोर्स, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस की सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम रिस्क है, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट है, वहां से पैसा उठा लो, इससे ऑप्टिमल कोई सोर्स ही नहीं हो सकता। हो गया ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस की सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम रिस्क, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट, वहां से पैसा उठा लाया, इससे ऑप्टिमल कोई चीज हो सकती है, हो ही नहीं सकती। हो गया ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। अब क्या करना है, ऑप्टिमल यूसेज करें। ऑप्टिमल यूसेज कैसे होगा, ऑप्टिमल यूसेज कहते हैं ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट कर दो वेयर रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट। हर वो जगह ऑप्टिमल है जहां पर आपकी रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है। मैं 50 लाख रुपए उठा के लाया 10% बैंक लोन से, क्योंकि मुझे लग रहा था इससे सस्ता कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, और बेटा मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया 12% पे। क्या मैंने ऑप्टिमल यूसेज किया, बिल्कुल किया, क्योंकि आपके रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, आपकी जेब के लिए 2% जरूर बचेगा, 12% आएगा, 10% बैंक को दो के जेब के लिए बचेगा, बस यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छी जगह से पैसा लो और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, समझ में आ रही है अभी तक बात। चार लाइनें पढ़ देना बाबू, ऑब्जेक्टिव मत पढ़ना, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेगा कोई भी, ठीक है, चार लाइनें पढ़ दो बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लिखी हुई। बाबू अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव या एम ऑफ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं या क्या एम है। बेटा आप अगर ढंग से देख पा रहे हो तो प्राइमरी एम भी लिखा है और सेकेंडरी एम लिखे हुए हैं दो, प्राइमरी एम और बेटा सेकेंडरी एम। पहले प्लीज सामने देखना, जब मैं चर्चा कर दूंगा तो मैं रीड करने का मौका दूंगा। बेटा सेकेंडरी एम ना दो लिखे हुए हैं, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकेंड वन इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और बेटा प्राइमरी एम क्या है ये बता देता हूं। बेटा प्राइमरी एम किसी भी कंपनी के एफएम का, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही प्राइमरी एम है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। और मैं बता देता हूं अभी आपके स्कूल टीचर एडवांस में क्या बोल लेंगे इसको,
ठीक है जी। और मेरे पास ये शुक्र है कि प्रूव करने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं प्रूव कर दूंगा। अभी तक क्या लड़ाई होती थी, आज से 5-7 साल पहले तक लड़ाई क्या होती थी, मैं यहां पर बोलता था कि इस बात का ईपीएस से कोई लेना देना नहीं है। लगभग 4-5 स्कूल के टीचर बोलते थे ईपीएस को मैक्सिमाइज करना प्राइमरी में, और मैं बोलता था इस हेडिंग का कोई ईपीएस से लेना देना ही नहीं है, भाई क्या बात कर रहे हो, प्रूव ही नहीं हो पाता था। ठीक है जी। और हर बार वो कॉन्ट्राडिक्शन, मेरा बच्चा जाके बोलता कि ईपीएस से कोई लेना देना नहीं, और वो लड़ते थे क्या बात कर रहे हो, टीचर तो स्कूल का टीचर वैसे भी दबा के चलना चाहता है। बाबू 5 साल पहले ना केस स्टडी आ गई बोर्ड्स में, ठीक है जी, उसका सॉल्यूशन भी आ गया फिर एपीएससी की बुक में, ठीक है जी, और वहां पर प्रूव हो जाएगी आपको ये बात, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है जी, हो जाती है मेरी बातें प्रूव, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। बाबू शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, इसका लेना देना ना बेटा सिर्फ एमपीएस से है, नॉट ईपीएस। ये टर्म आपने कभी पढ़ी भी नहीं है बेटा, मैं आज ही पढ़ाऊंगा आपको। एमपीएस क्या होता है बेटा, मार्केट प्राइस पर शेयर। एमपीएस को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस क्या था, अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, बाबू समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पता है बेटा किसी